हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी 7 के बारे में। भाई रियलमी 7 के बहुत सारे स्पेक्स निकल के आ गया एंड क्या प्राइस है सब कुछ निकल के आ गया, कब ये लॉन्च होने वाला है सब कुछ भाई एवरीथिंग निकल के आ गया। तो इसी वीडियो में आपको भाई बताने वाला हूँ, तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देख के पसंद है तो लाइक भी कर देना। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले, 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेंगे। साथ में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट। भाई अगर HD देना था तो 90 हर्ट्ज़ क्यों दिया, कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आएंगे जितना फुल HD में आता था। अगर फुल HD देता एंड 90 हर्ट्ज़ देता तो बहुत बढ़िया होता, मैंने कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता। बात करेंगे इसकी प्रोसेसर, तो भाई स्नैपड्रैगन के 662 वाला प्रोसेसर इधर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो क्लॉक्ड है 2 GHz पे 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस करके इसको बनाया गया। एड्रीनो 610 का GPU इधर आपको मिल जाता है। तो भाई गेमिंग आप कर पाएंगे, हल्का फुल्का गेमिंग भी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगे, कोई लैग भी नहीं देखने के लिए मिलेंगे। एंड इस पर आपको कैमरा जो मिलता है बहुत ही बढ़िया कैमरा इधर लगाया गया, 64 MP का मेन कैमरा है, 8 अल्ट्रा वाइड, 2 मैक्रो एंड 2 डेप्थ सेंसर इधर आपको मिलने वाला है। बात करेंगे अगर इसकी सेल्फी तो वो भी इंटरेस्टिंग है, 16 MP का एक पंचोल सेल्फी कैमरा के साथ ये फोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो वेरियंट है भाई एक ही वेरियंट निकल के आ रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इधर आपको 8 GB का रैम मिलता है एंड 128 GB की स्टोरेज के साथ ही आपको फ़ोन देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट, मतलब आपको पीछे ही फिंगरप्रिंट मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग, भाई बहुत ही बढ़िया। 5000 ठीक है, 18W भी चल जाता है, बट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। इधर आप अगर 30 से 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देता तो बहुत बढ़िया होता। बात करेंगे इसकी जो अदर कनेक्टिविटी, जैसे रियलमी UI आपको मिल जाएंगे, एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेंगे, ब्लूटूथ 5.1 के साथ ये आता है एंड 3.5 mm हेडफोन जैक आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड साथ में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक फ़ोन होने वाला था, बट इधर आपको जो डिस्प्ले है वो भाई बढ़िया नहीं है, आपको जस्ट HD डिस्प्ले मिलता है, तो इसीलिए ये फ़ोन मार खा जाता है। ठीक है भाई, आप कमेंट करके बताएंगे कि HD डिस्प्ले आपके लिए एनफ है या फुल HD देता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इसका जो प्राइस भाई निकल के आ रहा है, भाई ये सबसे पहले म्यांमार में लॉन्च होने वाला है, जो 17 सितंबर में ये लॉन्च होने वाला है। 2 lakh का प्राइस इधर निकल के आ रहा है, मतलब ये म्यांमार प्राइस में है। ठीक है, अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो 10,968 rupees इधर निकल के आ रहा है। तो देखेंगे अगर इस प्राइस में आता तो HD डिस्प्ले से चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंड पोको M2 भी लॉन्च हो चुका है आज ही, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिलता है इसके, मतलब अगर इस पर आप कंपेयर करते हैं इस फ़ोन से। जब इंडिया में ये फ़ोन आएंगे एंड क्या प्राइस पॉइंट लेके आएंगे तब आपको ज़रूर से और एक वीडियो बना के देंगे, एंड क्या प्राइस पॉइंट लेके आ सकते हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट्स में, कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। तो भाई वीडियो तो इतना ही, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ आगे देखने के लिए। तो भाई चलते मिलते किसी दूसरे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।